अमेजिंग क्रिएचर्स की अमेजिंग दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फैब नॉलेज। तो आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक क्यूट से फ्लाइंग लेमर को, जिसका नाम है संडा कोलुगो। संडा कोलुगो या संडा फ्लाइंग लेमर को मलायन फ्लाइंग लेमर या मलायन कोलुगो के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कोलुगो स्पीसीज में आते हैं। ये स्पीसीज इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सदर्न वियतनाम, सदर्न बर्मा और सिंगापुर में पाए जाते हैं। कहते हैं इनका नाम तो फ्लाइंग लेमर है, लेकिन ये लेमर नहीं होते, क्योंकि ये तब तक नहीं उड़ सकते जब तक एक अच्छा खासा एलिवेशन ना पा लें। उड़ना इन द सेंस ये पेड़ की ऊंचाई पे जाके वहां से जंप लगा सकते हैं और अपने लार्ज स्किन मेम्ब्रेन की मदद से बस उतना ही उड़ सकते हैं ताकि दूसरे पेड़ पे जा सकें। अदरवाइज अगर ये जमीन पे हैं तो उड़ना तो बहुत दूर की बात है, ये ठीक से चल भी नहीं सकते। और इसीलिए शिकारियों से बचने के लिए ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते हैं, क्योंकि ये फॉरेस्ट फ्लोर पर रहें तो बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं और कोई भी शिकारी इनका शिकार कर सकता है। संडा कोलुगो हर्बीवोर्स होते हैं, जो जीने के लिए पूरी तरह फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं। ये मेनली पेड़ों की पत्तियां खाते हैं और यूजुअली ऐसी पत्तियां खाते हैं जिसमें पोटेशियम और नाइट्रोजन के कंपाउंड की कम मात्रा हो। साथ ही ये फल फूल, फूलों की कलियां और कोकोनट फ्लावर भी खाते हैं, और इनके सारे फूड सोर्स डिपेंड करते हैं इनकी लोकेलिटी, हैबिटेट और खाने की मौजूदगी पर। वैसे तो ये नॉक्टर्नल होते हैं, जो रात को एक्टिव होते हैं, और इन्हें कुछ हद तक पानी पत्तियों से मिल जाता है, लेकिन क्योंकि ये चलने और जमीन से उड़ने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, इसीलिए ये कुछ चुनिंदा पेड़ों की छालों को लिक करते हैं, जिससे इनकी पानी, न्यूट्रिएंट, नमक और मिनरल की कमी पूरी होती है। संडा कोलुगो की लंबाई 33 से 42 सेंटीमीटर हो सकती है, यानी लगभग 13 से 17 इंच, और इनकी पूंछ 18 से 27 सेंटीमीटर हो सकती है, यानी 10.5 इंच। साथ ही इनका वजन 1 से 1.5 किलो तक होता है। जंगलों में ये कितने दिन जीते हैं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कैप्टिविटी में ये 15 साल तक जी सकते हैं। संडा कोलुगो फिलीपींस के सदर्न पार्ट्स में भी पाए जाते हैं, और यहां इन्हें फिलीपीन फ्लाइंग लेमर कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग की वजह से 1996 में IUCN ने संडा कोलुगो को अनसेफ डिक्लेयर किया था। उसके बाद 2008 में इन्हें लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रख दिया गया, लेकिन आज भी लोग इनके मीट और इनकी खाल के लिए इनका शिकार करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक ये भी पता चला है कि कोलुगोज फिलीपींस के इंडेंजर्ड ईगल्स का पसंदीदा शिकार होते हैं, और 90% ईगल की खुराक ये संडा कोलुगोज ही होते हैं। कोलुगो को अनस्किल्ड क्लाइमर कहा जाता है, क्योंकि ना तो ये स्ट्रांग होते हैं और ना ही ये तेजी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। पेड़ों पर चढ़ने के लिए ये कई हॉप की एक सीरीज बनाते हैं, जैसे लोग नारियल के पेड़ों पर चढ़ते हैं, और छलांग लगाकर लगभग 70 मीटर की दूरी तय कर सकते हैं एक से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए। कोलुगो के पैदा हुए बच्चे अंडर डेवलप्ड होते हैं, जिनका वेट सिर्फ 35 ग्राम होता है, और 6 महीने तक मां के पेट से चिपके रहते हैं। मदर कोलुगो अपनी पूंछ को राउंड करके अपनी बॉडी में फोल्ड कर लेती है, ताकि वो अपने बेबी को गर्म और सेफ रख सके। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई परेशान है, क्या अमीर क्या गरीब, क्या इंसान क्या जानवर। अब जानवरों का तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने एक शेर लिखा है। बकवास ही सही, सुन लीजिए एक बार।
गर्दिशों में हो कितने भी सितारे तेरे, तू हौसला रख कि तेरी तकदीर बदल जाएगी। कर ले तू बस थोड़ा सा एतबार खुद पर, यकीनन एक दिन किस्मत भी तेरे आगे सर झुकाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि इससे हमें आगे के वीडियोस में मदद मिलती है। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एनिमल सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।